और जिससे कि भाई का पेट का चर्बी वगैरह कम हो, ये थोड़ा सा चर्बी निकला हुआ है। मेरे बहुत मेरे भाई का जो कॉलेज जाते हैं उन लोगों का बहुत सारा देखता हूं मैं, थोड़ा सा चर्बी निकला रहता है जिसके कारण एब्स विजिबल आपको नहीं दिखता है, बॉडी वाला बन जाता है आपका लेकिन एब्स नहीं दिखता है। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव वीडियो होने वाला है। देखो घर पे ही, कोई जिम कोई इक्विपमेंट किसी चीज का जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइम दो, आधे घंटे का वर्कआउट करोगे और बेहतर से बेहतर एब्स को निकाल पाओगे घर पे ही। देखो साथ में फॉलो करो और भाई की तरह एब्स बनाना, भाई की तरह एब्स नहीं सॉरी भाई को जैसे एब्स बता रहा हूं बनाना वैसे आप लोग भी बता रहा हूं करो, और भाई के जैसा ही आप लोग को भी रिजल्ट मिलेगा, बेहतर रिजल्ट मिलेगा, एब्स बन के आए। तो देखो भाई साथ ही साथ क्या करो, साथ ही साथ एब्स मारो ठीक है भाई। तो स्टार्टिंग करना है भाई एकदम खतरनाक एक्सरसाइज से। तो पहला एक्सरसाइज क्या होने वाला है, आपका पोज रहेगा आपका इस तरह से, फॉर्म पोस्चर देखो इस तरह से रहेगा, और पांव को क्या करोगे आप सेम टाइम पे ऊपर बेंड करो, इसको मोड़ो मोड़ो इसको। तो भाई पहला एक्सरसाइज आपका क्या होगा, हाथ का पोजीशन आपका इस तरह रहेगा और सामने आओगे और सेम टाइम पे पांव को ऊपर लाओगे, पहला एक्सरसाइज से आपका एब्स इस तरह का पंप हो के आएगा खतरनाक वाला 15 रिपीटेशन। चलो भाई लगाओ, हाथ का फॉर्म रहेगा आपका इस तरह से लगाने 15 रिपीटेशन, 15 14। तो ये आपका पहला एक्सरसाइज था भाई, हाथ का पोजीशन इस तरह आएगा, पांव भी सेम टाइम पे ऊपर आएगा, साथ पूरा का पूरा आपका ऑल ओवर एब्स आपका स्क्वीज होंगे, पंप हो के आएगा, पहला एक्सरसाइज 15 से 20 रिपीट। दूसरा एक्सरसाइज होगा भाई हमारा जिसमें कि अल्टरनेट टो टच करेंगे भाई, अल्टरनेट राइट हैंड से करेंगे लेफ्ट टो को टच, लेफ्ट हैंड से करेंगे राइट टो को टच, चलो सवाल 15 रिपीट लगाना है। एक्सरसाइज नंबर सेकंड एब्स तरह करना है, तो बिल्कुल जो भाई को करा रहा हूं बस आपने कुछ नहीं करना है, साथ ही साथ देखना है और फॉलो करना है, बेस्ट रिजल्ट का गारंटी देता हूं मैं, साथ से फॉलो करते रहो जो भाई कर रहा है। चलो शाबाश, 5 4 3 2 1 रिलैक्स। अल्टरनेट जो आप करते हो अपने टो को टच, उसे क्या होता है आपका डायगोनली हिट होता है एब्स को, इस तरह से हिट करते हो, इस तरह से हिट करते हो तो और ज्यादा फोकस होता है, और ज्यादा फैट बर्न होता है, और ज्यादा आपको आपका जो एब्स है भाई रिप दिखता है, विजिबल दिखता है, बेहतर दिखता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या होगा हमारा, नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे सिर्फ हमने थोड़ा सा ऊपर उठाओ भाई, ऊपर उठाओ और यहाँ पे रखिए बस होल्ड करो, हाथ सीधा ग्राउंड पे रखो गया। तीसरा नंबर एक्सरसाइज कुछ नहीं करना है आपने, पहला एक्सरसाइज पंप कर लेना है, दूसरा आपका प्रॉपर एक्सरसाइज जो आपने मैंने बताया अल्टरनेट टो टच करना है, और तीसरा एक्सरसाइज क्या करना है बस पकड़ के रखना है, यहाँ पे पकड़ के रखना है जिससे कि आप अपने लोअर वाले हिस्से को अच्छे तरीके से इंगेज कर पाओगे, लोअर वाले हिस्से को पंप करोगे, पकड़ के होल्ड करके रखना है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जितना होल्ड कर सकते हो। फिर क्या करना है, जब थक जाओगे तो रिलैक्स नीचे, फिर आ जाओ ऊपर, यहाँ पे रख के होल्ड करोगे, इससे क्या होगा अपने लोअर एब्स को भी आप एक्टिव कर रहे हो, लोअर एब्स को भी ट्रेन करो साथ ही साथ, क्योंकि लोअर एब्स कम नीचे का चर्बी कम होना बहुत मुश्किल होता है, तो आपको बीच बीच में लोअर एब्स को टारगेट करना पड़ेगा अच्छे रिप्ड एब्स के लिए। चलो छोड़ो, अभी करेंगे साइड बाय साइड टारगेट, क्या करना है आपने ऊपर से राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस तरह करके आपने क्या करना है अपने साइड वाले हिस्से को एक्टिव करना है, साइड वाले हिस्से को तैयार करना है। चलो साहब चलो, हाथ आपका यहाँ पे रहेगा, पाओ ऊपर उठाके राइट की तरफ ले जाओगे, फिर पाओ को लेफ्ट की तरफ ले जाओगे, लगाओ 15 रिपीट 10 रिपीट। चलो और यहाँ पे जमीन पे अपने दोनों पांव के आगे लाके टच करना है आपको। चलो सब चलो, 1 बहुत अच्छे, 1 2
10 रिप्रेशन इसका लगाओगे आप लोग, ये भी आपको बेहतर से बेहतर अपर आर्म स्प्रिंट करके देगा भाई। 3-4 पाउंड होनी चाहिए, क्या जमाना है, चलो 5 चलो 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 सेम बात है, सुपर सुपर 6 चलो 7 चलो 8 चलो 9 लास्ट 10 रिलैक्स नेक्स्ट एक्सरसाइज भाई इस्तेमाल करेंगे स्टिक का, जिस तरह नाव चलाते हो चप्पू चलाते हो बस उसको ध्यान में रख के आपने चलाना है। बस आपने क्या करना है, पांव को ऊपर रखना है, ऊपर करके होल्ड करना है यहाँ पे। अब आप बोलोगे भाई रशियन ट्विस्ट तो कर सकते हो, रशियन ट्विस्ट क्यों नहीं बताते हो, क्योंकि अगर आप इस स्टिक से पकड़ के ग्रिप पकड़ के कराओगे तो ग्रिप पकड़ के अगर एक्सरसाइज कराते हो तो मैं मानता हूँ बेहतर रिजल्ट बेहतर पंप भाई मिलता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई ये ट्राई किया करो आप लोग, लगा के दिखाओ। चलो शाबाश, ग्रिप पकड़ो, चलो 10 रिपीटेशन शाबाश। 1-2 और इस स्टिक से अपने पांव को टच करना, इस तरह से करके दिखाओ। आपने बस क्या करना है, लेट जाओ पीछे लेट जाओ और ऊपर आके पांव को ऊपर करोगे, फिर अपने टो को टच करोगे स्टिक से। चलो सब पास रिलैक्स, 10 रिपीटेशन लगा के दिखाओ। चलो सब पास
बताओ भाई वर्कआउट के बाद कैसा कुछ पंप हो रहा है, क्या पूरा टाइट चैट हो रहा, फील हो रहा, पूरा टाइट फील हो रहा है, यानी कि मसल पे काम हुआ है भाई। तो मसल टाइट होगा यानी कि आप क्या होता है काम करते हो तो आप चाहते हो कि मसल जैसे बाइसेप पंप किए तो बाइसेप खुलना, पूरा एब्स पे असर पड़ रहा है, एब्स पे असर पड़ रहा है, धीरे धीरे करके एब्स वाले विजिबल होगा। बस खाने पे ध्यान देना है, क्या करना है खाने पे ध्यान देना है, और वर्कआउट कितना टाइम करना है, कितना टाइम करना है दिन में, एक दिन में एक से दो बार दिन में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कुछ टाइम करते करो, अच्छा डाइट रखो, बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है वाले, मिलते हैं वीडियो में और सीखने के साथ, और नए टॉपिक तो स्टे सेफ स्टे हेल्दी। ठीक है।